नमस्कार, एमपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में बात करेंगे सुर्खियों की। देश की राजनीति में अब मध्य प्रदेश सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोई भी पार्टी हो या किसी भी मुद्दे को लेकर बड़े बड़े नेता राजनेता मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं, तो मध्य प्रदेश को एक राजनीतिक गढ़ के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जबलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, मध्य प्रदेश में उनका जबलपुर दौरा काफी चर्चाओं में बना हुआ है। आपको बता दें कि सीए के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया अमित शाह ने, और इसी के तहत विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की भाषा पाकिस्तान की तरह है। उन्होंने ये भी कहा कि 12 जुलाई 1947 को महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भी भाई पाकिस्तान में रह गए हैं वे जब भारत आना चाहे आ सकते हैं। तो अब क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानेंगे? तो सीएए के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते नजर आए अमित शाह, लेकिन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। राम मंदिर, जो कि एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला रहा, उसे लेकर भी उन्होंने दावा किया है कि चार महीने में आसमान छूता राम मंदिर नजर आएगा। भारत की जनता को बहुत ही जल्द राम मंदिर की सौगात मिलेगी। एक और मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की, जेएनयू में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत में जो भी देश विरोधी नारे लगाएगा केंद्र उसे सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी जगह, खासतौर पर जेएनयू घटनाक्रम का ही को लेकर ही वे बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि देश में कहीं भी अगर देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा तो उसे सीधे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और गौशाला के निर्माण को लेकर सवाल उठाते नजर आए अमित शाह। साथ साथ मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार बनी है उस पर भी उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि उनकी उम्र ज्यादा जोर से बोलने की नहीं, अगर जोर लगाना भी है तो मध्य प्रदेश को ठीक करने में लगाएं, प्रदेश के विकास में अपना जोर लगाएं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस बात का जवाब देते नजर आए। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ का जवाब आया है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता मेरी उम्र नहीं मेरे काम को देख है। गृह मंत्री नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली और जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहां पर बड़े विरोध प्रदर्शन और हिंसा की खबरें आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं राज्यों में पहुंच रहे हैं। इस कानून के नाम पर मध्य प्रदेश की शांत धरती पर भाजपा नेताओं को जनता को गुमराह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस इसे कभी भी मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देगी। तो इस तरह का वार पलटवार भी देखने को मिला, लेकिन अमित शाह ने जबलपुर में कई मुद्दों पर चर्चा की और कई बातें अपनी ओर से स्पष्ट भी कर दी। वहीं अगली खबर की ओर रुख करेंगे और बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि रविवार को भोपाल में कांग्रेस सेवा दल के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी और राज्यसभा भेजे जाने को लेकर तमाम अटकलें चल रही है। उन्हें उनका नाम इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिलेगी या उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन भोपाल में उन्होंने साफ कर दिया कि वे किसी भी पद के पीछे नहीं है, उन्हें किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैंने बीते 18 सालों में कोई पद नहीं मांगा तो अब क्यों मांगूंगा, कुर्सी का मोह मुझे कभी नहीं रहा। वहीं राजनीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे लिए जनता की सेवा का माध्यम रहा है जिसे मैं आम कार्यकर्ता के रूप में हमेशा करता रहूंगा। पार्टी जो भी जिम्मेदारियां मुझे सौंपेगी उसका निर्वहन करूंगा। तो उन्होंने साफ कर दिया कि कोई भी पद उन्हें मिले चाहे ना मिले वे जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। वहीं फिल्म छपाक को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, दीपिका पादुकोण के जेएनयू जाने पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कई ओर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इस सब के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया दीपिका पादुकोण के समर्थन में नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म छपाक देखने की इच्छा भी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि दीपिका के साहस का मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो आवाज़ उठाई है वो साहसिक है, सभी व्यक्तियों को अधिकार है अभिव्यक्ति का, मैं भी फिल्म छपाक जरूर देखूंगा। तो इस तरह से दीपिका पादुकोण का समर्थन करते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया।
वहीं अगली अपडेट की तरफ रुक करेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले 35 दिनों से वे अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन रविवार रात उनके साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रविवार देर रात लगभग 2 बजे अतिथि विद्वानों के पंडाल में आग लगा दी गई, कैरोसिन छिड़ककर आग लगाई गई, जिससे कि उनकी जान पर बनाई, लेकिन अतिथि विद्वानों की सूझबूझ के चलते आग पर काबू पा लिया गया। आपको बता दें कि पंडाल के अंदर तकरीबन 100 अतिथि विद्वान मौजूद थे, जो कि गहरी नींद में थे। अब अतिथि विद्वानों का कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये आग किसी संयोगवश लगी थी या फिर वाकई धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए साजिश की गई है, तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं अब शहर की बात करें तो नगर निगम चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और इसे लेकर शहर की गलियों में एक अलग ही माहौल देखा जाने लगा है। सभी पार्टी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल की कार्यकर्ता सम्मान यात्रा भी काफी चर्चाओं में है। जी हाँ, सत्यनारायण पटेल कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता जितने भी हैं उनका सम्मान कर रहे हैं, घर घर गलियों में पहुंचकर उनका सम्मान कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये सब नगर निगम चुनाव की तैयारियां हैं। लेकिन पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल इस बात का खंडन करते नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये सब कुछ जो सम्मान किया जा रहा है कार्यकर्ताओं का, वो सब कुछ चुनाव से परे है, चुनाव से अलग रखा जाए इसे। लेकिन साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से शहर में घूम घूम कर अलग अलग वार्ड पहुंच कर वे कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये नगर निगम चुनाव की ही तैयारियां हैं, एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब बात करेंगे इंदौर शहर की ही, तो स्वच्छता में अव्वल इंदौर ने एक और नया कीर्तिमान रचा है। इंदौर को अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है। जी हाँ, दरअसल इंदौर की सिंधोरा पंचायत को मध्य प्रदेश की पहली प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनने का गौरव हासिल हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इंदौर जिला पंचायत की CEO नेहा मीणा को ये अवार्ड बॉलीवुड एक्टर आमिर खान द्वारा दिया गया और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन को बधाई दी है। अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण है। तो जिस तरह से इंदौर की स्वच्छता में तो नए नए कीर्तिमान गढ़ ही रहा है, तो एक और गौरव का क्षण प्राप्त हुआ इंदौर को। इंदौर की सिंधोरा पंचायत को मध्य प्रदेश की पहली प्लास्टिक मुक्त पंचायत बनने का गौरव हासिल हुआ। तो MP न्यूज़ के खास न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट, यही जानकारियां, और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।